गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8, आई एम सुनीता जोशी अगेन विद यू विद वन मोर पोइम फ्रॉम योर सिलेबस, हनी ड्यू. द नेक्स्ट पोइम द लास्ट बागीन बाय रविंद्रनाथ टैगोर. इससे पहले कि हम अपनी पोइम पढ़ना स्टार्ट करें, कुछ हम पोइट के बारे में जान लेते हैं. सो अबाउट द पोइट रविंद्रनाथ टैगोर. रविंद्रनाथ टैगोर वॉज एन आइकन ऑफ इंडियन कल्चर. वो इंडियन कल्चर के एक आइकन थे. ठीक, ही वॉज अ पोइट, फिलोसोफर, म्यूजिशियन, राइटर एंड एजुकेशनिस्ट. तो वो कैलकटा में इनका जन्म हुआ था. एंड ही वॉज अ पोइट, एक कवि थे, फिलोसोफर थे, दार्शनिक थे, म्यूजिशियंस थे, संगीतज्ञ थे, राइटर थे, लेखक, एंड एजुकेशनिस्ट, शिक्षाविद थे. रविंद्रनाथ टैगोर बिकेम द फर्स्ट एशियन टू बिकेम नोबेल लॉरिएट. और उन्होंने सबसे पहले फर्स्ट एशियन नोबेल लॉरिएट थे, यानी कि सबसे पहले एशियन थे जिन्होंने कि नोबेल प्राइज जीता था, जिनको कि नोबेल प्राइज मिला था. व्हेन ही वन नोबेल प्राइज, किसके लिए मिला था उनको नोबेल प्राइज? फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोइम्स, अपने कविताओं के संग्रह के लिए, कलेक्शन के लिए, जिसका नाम था गीतांजलि. इन 1913 में इन्हें गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज मिला था. ही वॉज पॉपुलरली कॉल्ड, और उनका लोकप्रिय नाम क्या था? एज गुरुदेव. गुरुदेव के नाम से उनको जानते थे. एंड हिज सॉन्ग्स वेर पॉपुलरली नोन एज रविंद्र संगीत. और उनके लिखे हुए गाने, संगीत यानी कि गीत या फिर पोइम्स को रविंद्र संगीत के नाम से जानते हैं. और टू सॉन्ग्स फ्रॉम हिज रविंद्र संगीत कैनन आर नाउ द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया. और उनके रविंद्र संगीत में से दो इतने फेमस गाने निकले हैं, इतने फेमस गीत हुए हैं, कौन कौन से? जो कि हमारे देश का नेशनल एंथम है, जन गण मन, नेशनल एंथम ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश. हमारे देश का, इंडिया का एंड बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है. अपना नेशनल एंथम कौन सा है? द जन गण मन. एंड बांग्लादेश का नेशनल एंथम आमार सोनार बांग्ला. तो ये दोनों नेशनल एंथम रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे. ठीक, आइए अब कुछ हम पोएम के बारे में जानते हैं. अबाउट द पोएम द लास्ट बार्गेन. अब बार्गेन, बार्गेन शब्द से जैसे कि समझौता, सौदा करना होता है. यानी कि जैसे हम मार्केट जाते हैं, हम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, होम अप्लायंसेस या कोई भी चीज खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? मनी पे करते हैं और फिर हमको चीजें मिलती हैं. तो दो पार्टी में जब बार्गेन होता है, तो जैसे हम पैसे पे करते हैं तो शॉपकीपर को पैसे मिलते हैं और हमको अपनी डिजायर्ड थिंग्स मिलती हैं. ठीक है, जो भी हम चीजें चाहते हैं खरीदना वो हम पाते हैं, तो बार्गेन उसको कहते हैं, समझौता या सौदा करना. ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा. अब बार्गेन मीन्स समझौता, सौदा. ठीक है, कोई चीज देना तो कोई चीज लेना. इज एन एग्रीमेंट, एक ऐसा एग्रीमेंट है, स्वीकृति पत्र है, यानी कि स्वीकृति है, दोनों की सहमति हो, जिसमें इन विच, जिसमें कि बोथ पार्टीज, दोनों लोग या दोनों पार्टीज प्रोमिस टू डू समथिंग फॉर ईच अदर, जिसमें एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करते हैं दोनों पार्टीज. ठीक है, समवन इज लुकिंग फॉर वर्क. इस पोइम में क्या है इसका थीम? कि समवन, कोई व्यक्ति है, इज लुकिंग फॉर वर्क, वो काम की तलाश में है, जॉब की तलाश में है, वेटिंग टू बी हायर्ड, और वो इंतजार कर रहा है कि कोई आकर के उसको हायर कर ले. हायर करना, जॉब पर रख लेना, ठीक है, किराए पर रख लेना या फिर नौकरी पर रख लेना. ही स्ट्राइक्स अ बार्गेन, वो एक बार्गेन करता है. ठीक है, बट थिंग्स इट्स वर्थलेस, लेकिन तभी उसको ये महसूस होता है, वो उसको ये क्या सोचता है, इट्स वर्थलेस, कि ये जो बार्गेन मैंने किया है, सौदा किया है काम पर रखने का, काम पर जाने का कहीं, इट्स वर्थलेस, ये मेरे लिए मूल्यहीन है, बेकार है. ही ट्राइज ट्वाइस, फिर ट्वाइस मीन्स दो बार, वो फिर से कोशिश करता है, दो बार फिर से उसकी सौदा करता है, वो समझौता करता है. अगेन बट डजंट लाइक ईदर, लेकिन कोई भी समझौता उसको पसंद नहीं आता है. ठीक है, फाइनली वो क्या करता है, इन द लास्ट बार्गेन, तीसरा सौदा उसका होता है, तीसरा समझौता वो किसी पार्टी के साथ करता है. व्हेन ही इज हायर्ड, जब उसको हायर किया जाता है, काम पर रखा जाता है, फॉर नथिंग वट एवर, लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिलता उसके बदले. ठीक, यानी कि पैसे, मनी, कुछ नहीं मिलता है, पावर, वेल्थ,
ब्यूटी या कुछ भी ऐसी चीज जिसको कोई भी चीज नहीं मिलती है उसके बदले में, ही इज हैप्पी। लेकिन सरप्राइजिंगली देखो कितने आश्चर्य की बात है, इस सौदे में, तीसरे सौदे में ही इज हैप्पी, वो खुश है एज नेवर बिफोर, और इतना खुश है कि जितना खुश वो पहले कभी नहीं हुआ। व्हाट इज द बार्गेन? तो अब आपके दिमाग में स्ट्राइक कर रहा होगा कि व्हाट इज द बार्गेन, उसने कैसा सौदा किया, कैसा समझौता किया, एंड व्हाई इज इट द बेस्ट, और उसके लिए वो सौदा सबसे अच्छा, बेस्ट मींस सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा, वो सौदा उसको सबसे अच्छा क्यों लगा, तो इसको जानने के लिए हम पोएम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपके सामने पोएम को रीड करूंगी, पूरी पोएम को, फिर नेक्स्ट उसको एक्सप्लेन करूंगी। कम एंड हायर मी, आई क्राइड व्हाइल इन द मॉर्निंग आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड, sword in hand the king came in his chariot, he held my hand and said I will hire you with my power, but his power counted for naught and he went away in his chariot. In the heat of the midday the houses stood with shut doors, I wandered along the crooked lane, an old man came out with his bag of gold. He pondered and said, I will hire you with my money. He weighed his coins one by one, but I turned away. It was evening. The garden hedge was all aflower. The fair maid came out and said, I'll hire you with a smile. Her smile paled and melted into tears, and she went back alone into the dark. The sun glistened on the sand and the sea waves broke waywardly. A child sat playing with shells. He raised his head and seemed to know me and said, I hire you with nothing. From henceforward, that bargain stuck in child's play made me a free man, by Rabindranath Tagore. So, ye thi aapki poem. To shuru karte hain, explain. First line se, come and hire me. I cried. I means the narrator of the poem. जो narrate कर रहा है, जो बता रहा है इस poem को. आपने intro में पढ़ा someone, ठीक? Someone means कोई व्यक्ति. The narrator of the poem cried माने shouted, चिल्ला रहा था. Come and hire me, जो कि job ढूंढ रहा था, कोई काम ढूंढ रहा था, ठीक? वो चिल्ला रहा है कि come आओ और मुझे hire करो, मुझे job पर रख लो. While in the morning, सुबह का समय है, काम ढूंढ रहा है एक व्यक्ति और चिल्ला रहा है कि आओ और मुझे हायर कर लो। I was walking on the stone paved road. अब वही नरेटर कह रहा है कि I was walking, जब मैं चल रहा था on the stone paved road, stone कंक्रीट से, पत्थर कंक्रीट से बनी हुई सड़क, सड़क पर चलते हुए I was shouting, वो चिल्ला रहा था, एक व्यक्ति काम की तलाश में है और वो चिल्ला रहा है कि मुझे किराए पर रख लो। Sword in hand, sword means तलवार, in hand हाथ में तलवार लिए हुए, the king came, तभी वहां पर राजा आते हैं, in his chariot अपने रथ पर, chariot माने horse driven cart होती है, घोड़ा गाड़ी जिसे कहते हैं, ठीक, अपने रथ पर राजा बैठ करके उस रास्ते से होकर के गुजरते हैं, तो वो अपने हाथ में तलवार लिए हुए आते हैं, रुकते हैं, he held my hand, और रुक करके उन्होंने held my hand माने मेरा हाथ पकड़ा, and said, और कहा, I will hire you, मैं आपको काम पर रखता हूँ with my power, क्योंकि मेरे पास power है, power माने ताकत है, strength है, शक्ति है, ठीक है, जैसे राजा के पास अधिकार होते हैं ना, power means उसके पास जो सत्ता का अधिकार और power होता है वो राजा है भाई, ठीक, तो वो कहता है कि मैं अपने power से, क्योंकि मेरे पास power है, मैं तुम्हें किराए पर, मैं तुम्हें रखता हूँ, it means job में मैं रखता हूँ तुम्हें, but his power counted for naught, लेकिन जब इस someone means I, इसने सोचा कि, उस व्यक्ति ने सोचा कि but his power, उसका जो power है, राजा की जो power है, counted for naught, उसका कोई अर्थ नहीं है उसके लिए, nothing है, counted for naught means nothing, उसका power कोई अर्थ नहीं रखता है, and he went away in his chariot, और उसने राजा को मना कर दिया, ठीक, के काम पर राजा के द्वारा रखे जाने के लिए उसने मना कर दिया, क्यों मना कर दिया, क्योंकि उसके हिसाब से पावर डिकेज स्पॉइल्ड विद द पासिंग ऑफ टाइम, आज राजा वो है तो उसके हाथ में पावर है, नेक्स्ट जब वो राजा नहीं रहेगा तो वो पावर उससे छिन जाएगी,
और या फिर उस पावर से वो उसको गुलाम भी बना सकता है। तो उसके उसने थोड़ा सा विचार किया और उसको जाने दिया, उसके साथ काम पर नहीं गया। इन द हीट ऑफ द मिड डे, ऐसा करते हुए अब दिन का समय हो गया। इन द हीट माने जो हॉट सन है, यानी कि गर्मी में, ऑफ द मिड डे माने दिन की गर्मी में, नून टाइम हो गया, दोपहर का समय हो गया। द हाउसेज स्टूड विद शट डोर्स, और घर क्या थे, स्टूड विद शट डोर्स, घर के दरवाजे सब बंद थे। और लोग जब रेस्ट का टाइम होता है, दोपहर का समय जब रेस्ट का समय होता है, सब लोग रेस्ट कर रहे थे, सबके दरवाजे बंद थे और चिलचिलाती दोपहर थी। ठीक है, आई वांडर्ड अलोंग द क्रूक्ड लेन, आई वांडर, वांडर माने भटकना जिसे कह सकते हैं, यहाँ वहां घूमता रहा। अलोंग द क्रूक्ड लेन, क्रूक्ड लेन मीन्स टेढ़ी मेढ़ी गलियों में, मुड़ी उड़ी गलियों में, क्रूक्ड लेन में मैं यहां से वहां भटकता रहा काम की तलाश में। एन ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड, तभी मैंने देखा कि एक ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति केम आउट आया विद हिज बैग ऑफ गोल्ड, उसके पास पैसों का भरा हुआ, गोल्ड का भरा हुआ बैग था, सोने से भरा हुआ, सोने के सिक्कों से भरा हुआ बैग था। ही पॉन्डर्ड, उसने जब मैं काम ढूंढ रहा था उसने सोचा, पॉन्डर्ड माने रुक करके सोचना, उसने थोड़ा सोच विचार किया एंड कहा, एंड सेड आई विल हायर यू विद माय मनी, उसने अपने मनी को शो करते हुए कहा कि आई विल हायर यू, मैं तुम्हें काम पर रख सकता हूं विद माय मनी, क्योंकि मेरे पास पैसा है, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, इसलिए मैं तुम्हें काम पर रख सकता हूं। ही वेट, वेट करना गिनना, ठीक, तौलना गिनना, हिज कॉइंस वन बाय वन, एक एक करके उसने दिखाने के लिए कि मेरे पास बहुत सारा मनी है, कि करके अपने कॉइंस, अपने सिक्के, सोने के गिनने शुरू किए। बट आई टर्नड अवे, लेकिन मैं वहां से टर्न अवे माने मुड़ गया, मैंने उसका प्रपोजल भी स्वीकार नहीं किया, उसका जो जो काम पे रखने का जो उसका प्रपोजल था, प्रस्ताव था, वो भी उसने ठुकरा दिया। क्यों, द पॉइंट क्या सोचता है, जो काम तलाश रहा व्यक्ति क्या सोचता है नरेटर, क्योंकि जो मनी है उसका पैसा ना तो उसकी एज को टर्न कर सक रहा है, यानी कि वो जो बूढ़ा है उसको ना तो बच्चा या जवान बना सकता है, ना उसका पैसा उसके किसी काम आ रहा है, ठीक, वो उसको ना, ये जो चिलचिलाती दोपहर है ना उसको बदलने का काम कर सकता है, यानी उसका पैसा केवल दिखाने भर के लिए है, इंसान की उसकी डेथ होती है तो पैसा उसके किसी काम का नहीं होगा, ठीक है, या फिर उसके जो नियर एंड डियर वंस हैं वो उस पैसे के लिए उसको उसको भी ब्लेम कर सकते हैं। तो काफी चीजें सोचने के बाद उसने उसको भी ठुकरा दिया, यानी कि वो वहां भी काम पर नहीं गया। ठीक, नेक्स्ट क्या होता है, इट वॉज इवनिंग, ऐसा करते करते अब शाम का समय हो जाता है। द गार्डन हैज वॉज ऑल अ फ्लावर, और गार्डन हैज मीन्स गार्डन में जो फूलों की जो प्लांट्स लगे होते हैं, एक सेम कटिंग में आपने देखा होगा दीवार जैसे फूलों के प्लांट्स लगे होते हैं, उनमें फूल खिले होते हैं, तो गार्डन हैज माने चार दीवारी जो फूलों के प्लांट्स से बनाई जाती है गार्डन के अंदर, बगीचे के अंदर, तो ऐसा ही गार्डन में फूलों के प्लांट्स, झाड़ियां छोटी छोटी, वॉज ऑल अ फ्लावर, उनमें फूल खिले हुए थे, अ फ्लावर मीन्स फूल खिले हुए थे। द फेयर मेड केम आउट एंड सेट, तभी एक सुंदर सी मेड, यानी कि एक यंग लेडी, एक बहुत ब्यूटीफुल लेडी came out, बाहर आती है, and said, और बोलती है, I will hire you, मैं तुम्हें hire कर लूंगी, with a smile, एक अपनी खूबसूरत मुस्कान के साथ, एक अपनी खूबसूरत मुस्कान के साथ मैं तुम्हें काम पर रख लूंगी। Her smile paled and melted, तो narrator ने सोचा कि उसकी smile जो थी, paled and melted into tears, उसने सोचा कि कुछ समय के बाद उस जो वो खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है, वो इतनी ब्यूटीफुल नहीं रहेगी, विद द पासेज ऑफ टाइम उसकी ब्यूटी विल डिके, उसकी ब्यूटी खत्म हो जाएगी, और उसकी मुस्कुराहट जो है उसने इमेजिन किया कि वो पीली होती हुई दिखाई दी उसको, पीले पड़ती हुई, एंड मेल्टेड इंटू टीयर्स, और मेल्टेड इंटू टीयर्स माने पिघल करके आंसू बन के बह गई उसकी जो खूबसूरत मुस्कान थी, इट मीन्स वो विद द पासिंग ऑफ टाइम वो बूढ़ी हो जाएगी, और उसकी जो स्माइल है वो उससे छिन जाएगी, वो हमेशा खूबसूरत और जवान नहीं रह सकती है। एंड सी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क, और ऐसा उसने इमेजिन किया कि वह ऐसी बूढ़ी है और फिर पेल होकर के उसकी खूबसूरत मुस्कान खत्म हो जाएगी एक दिन, और उसको आंसू रोना पड़ेगा, ठीक, और सी वेंट, इसलिए वो भी उसने रिजेक्ट कर दिया,
ठीक, सी वेंट, वो गई एंड ब्लैक अलोंग इन टू डार्क, और वो अंधेरे में उसको अकेले ही दिन बिताने पड़ेंगे, ठीक है, यानी कि वो अकेली रह जाएगी इस दुनिया में। तो उसकी ब्यूटी भी परमानेंट नहीं है, उसकी वेल्थ भी परमानेंट नहीं है, जहां दूसरे स्टंजा में हमने पढ़ा था कि वो पैसे के पावर से खरीदना चाहता था, फर्स्ट स्टंजा में हमने पढ़ा था कि वो उसको पावर से खरीदना चाहता था, ठीक है, सत्ता का जो पावर था राजा का, उसकी सत्ता भी परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है, टाइम बीइंग है, एंड वेल्थ भी एंड पावर भी एंड ब्यूटी भी, एवरीथिंग विल डिके विद द पासिंग ऑफ टाइम, समय गुजरने के साथ साथ ये तीनों चीजें नष्ट हो जाती हैं, ठीक, छिन जाती हैं। द सन ग्लिसेंड ऑन द सैंड, फिर उसने देखा कि वो सन, सूर्य चमक रहा था अगले दिन, नेक्स्ट डे द सन ग्लिसेंड, ग्लिसेंड माने चमक रहा था, शाइनिंग ऑन द सैंड, रेत पर, रेत पर सूर्य की किरणें पड़ रही थी, एंड द सी वेव्स, और समुद्र की जो वेव्स माने लहरें होती हैं, ब्रोक वेवार्डली, वो स्वच्छंद होके बह रही थी, वेवार्डली माने चंचलता से बह रही थी, ठीक, विदाउट एनी कंट्रोल, वो बढ़ रही थी और खूब अच्छे से बह रही थी, स्वतंत्र होके बह रही थी, इंडिपेंडेंट होके, फ्री होके, अ चाइल्ड सेट, फिर उसने देखा कि एक बच्चा वहां पर बैठा हुआ था, प्लेइंग विथ शेल्स, जो कि अपनी सीपियों के साथ खेल रहा था, समुद्री किनारे जो बह करके समुद्र की लहरों के साथ जो सीपियां आ जाती है ना, ये आपको पिक्चर में सी सेल्स मैंने दिखाए हैं, ये है राइट साइड में देखिए कॉर्नर पर, तो ये सी सेल से वो खेल रहा है समुद्री किनारे सैंड में, रेत में, जैसे कि बच्चे खेलते हैं, तो चाइल्ड सेट प्लेइंग विद शेल्स, वो अपनी सीपियों के साथ खेल रहा है मगन होकर के, मस्त होकर के, ही रेज्ड हिज हेड, तो उसने अपना सिर उठाया, एंड सीम टू नो मी, उसने मेरी ओर देखा, नरेटर कह रहा है उसने मेरी तरफ देखा, और ऐसा लगता था, सीम्ड माने प्रतीत होता था कि टू नो मी, कि वो मुझे जानता है, एंड सेट, और ऐसा उसने ज्यादा प्रिटेंड कुछ नहीं किया, सिंपली उसने मुझसे कहा, आई हायर यू विद नथिंग, मैं तुम्हें काम पर रखता हूँ, हायर करता हूँ विद नथिंग, लेकिन उसके बदले में मुझे, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक, विद नथिंग, कुछ ना दे करके भी मैं तुम्हें काम पर रखता हूँ, फ्रॉम हैंड्स फॉरवर्ड, उस हैंड्स फॉरवर्ड माने उसके बाद से, उसके बाद दैट बार्गेन स्टक इन चाइल्ड्स प्ले, वो बार्गेन राइटर को, नरेटर को बहुत पसंद आ गया, स्टक इन चाइल्ड्स प्ले, बच्चे के खेल में उसको ऐसा क्या दिखाई दिया जो कि पावर, वेल्थ एंड ब्यूटी में नहीं दिखाई दिया, मेड मी अ फ्री मैन, और जैसे ही मैंने उसके साथ समझौता किया, वो बार्गेन एक्सेप्ट किया, वो एक फ्री मैन हो गया, फ्री मैन माने स्वतंत्र व्यक्ति, ठीक है, तो इस पोइम, ये जो पोइम है, दिस होल पोइम इज सिंबलाइज्ड, वो सिंबल है, प्रतीक है, वेल्थ पावर एंड हेल्थ, सॉरी वेल्थ पावर एंड ब्यूटी विल, एवरीथिंग विल बी डिके रेंड विद द पासेस ऑफ टाइम, समय गुजरने के साथ ये तीनों चीजें खत्म हो जाएंगी, बट वो जो बच्चे की मुस्कुराहट है, स्माइल है, वो जो बच्चे की इनोसेंसी है, बच्चा फ्री है, विदाउट एनी डिजायर है, उसके अंदर कोई इच्छा नहीं है पजेस करने की, पाने की, समझौता करने की, ठीक है, तो वो फ्री है, सारी डिजायर्स से फ्री है, तो वो फ्रीशिप उसको इतनी पसंद आई पॉइंट को, कि वो नरेटर को, कि उसने वो समझौता एक्सेप्ट कर लिया, वो सौदा एक्सेप्ट कर लिया, और वो इस तरीके से वो अपने सारे बंधनों से आजाद हो गया, ठीक है, क्योंकि वेल्थ खोने का डर होता है, राज्य खो जाने का डर होता है, राजा को क्या फियर है, राज्य छिन जाने का फियर होता है, हमेशा लगा होता है, और पैसा चोरी हो जाने का खतरा होता है, ब्यूटी नष्ट हो जाने का खतरा रहता है, विद द पासिंग ऑफ टाइम ब्यूटी खत्म हो जाती है, लेकिन बच्चे की इनोसेंसी और बच्चे की जो फ्रीडम है वो कभी खत्म नहीं होगी, और ये जो थोड़ा सा पोएम का मीनिंग आप स्पिरिचुअली ले जाइए तो ऐसा लगेगा कि इंसान का जीवन का एक ही उद्देश्य ही तो है कि फ्री फ्रॉम द डिजायर्स, ऐसा व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है, सबसे अच्छा है, जिसके अंदर कोई इच्छाएं नहीं है, ठीक है, तो ये सब इन चीजों से वो मुक्त महसूस करता है, और ये वाला बार्गेन करता है, ये उसको बहुत पसंद आता है, ठीक है, तो ये थी पूरी पोएम आपकी, इसके बाद इसके हम थोड़े वर्ड मीनिंग्स देख लेंगे और समरी देख लेंगे, ओके, वर्ड मीनिंग्स यहाँ आप लिखे हैं, आप नोट कर लीजिएगा, बार्गेन सौदा समझौता, वर्थलेस बेकार, हायर किसी को काम पर रखना, स्टोन पेव्ड रोड पत्थर कंक्रीट से बनी सड़क, स्वॉर्ड तलवार,
चैरिट रथ काउंटेड फॉर नॉट, कुछ भी नहीं, नथिंग, वंडर यहाँ वहां घूमना, क्रूक्ड लेन टेढ़ी मेढ़ी गलियां, पॉन्डर सोच विचार करना, वेट गिनना, गार्डन हैच बगीचे की फूलों की चार दीवारी, अ फ्लावर खिले हुए फूल, ग्लिसन चमकना विवाडली अनियंत्रित तरीके से, स्वच्छंद और शेल्स माने सीपियां, समुद्र में जो पाई जाती हैं सीपियां। ठीक है, एक बार समरी डिस्कस कर लेते हैं। द लास्ट बार्गेन इज अ पोएम, लास्ट बार्गेन एक ऐसी कविता है डिस्क्राइबिंग, जो डिस्क्राइब करती है द स्टोरी ऑफ अ मैन, एक व्यक्ति की कहानी, हु इज इन सर्च ऑफ अ जॉब, जो कि जॉब की सर्च में है। ठीक है, जॉब की सर्च में है, वो सिंबलाइज भी किया है जॉब की सर्च में, मतलब वो जो सेटिस्फेक्शन है उसको, सेटिस्फेक्शन उसको किसी भी जॉब में नहीं मिल रहा है, अब वो कौन सी जॉब की सर्च कर रहा है, ही वॉन्ट्स अ जॉब, वो एक ऐसी जॉब सर्च करना चाहता है इन विच ही कैन वर्क, जिसमें वो काम तो कर सके विदाउट लूजिंग हिज फ्रीडम, अपनी फ्रीडम को खत्म किए हुए बिना, अपनी स्वतंत्रता को, अपने मन की स्वतंत्रता को स्पॉइल किए बिना ही वो उस जॉब को करे। द स्पीकर रिसीव्स द ऑफर फ्रॉम पावरफुल रिच एंड ब्यूटिफुल, अब उसको तीन ऑफर मिलते हैं। ठीक, शुरू में क्या, पहले राजा से मिलता है पावरफुल ऑफर, रिच फिर बूढ़े व्यक्ति से पैसे का ऑफर, एंड ब्यूटीफुल लेडी से ब्यूटी का ऑफर मिलता है उसको, बट टर्न्स ऑल ऑफ देम डाउन, वो उन सबको रिजेक्ट कर देता है। द रिच ओल्ड मैन ऑफर्स हिम अ लॉट ऑफ गोल्ड फॉर हिज सर्विसेज, हालांकि वो बूढ़ा व्यक्ति बहुत सारे पैसे दे करके उसको खरीदना चाहता है, लेकिन वो सब चीजें रिजेक्ट कर देता है, एंड एट लास्ट वो क्या एक्सेप्ट करता है, एक ही प्रपोजल जिसमें उसको मानसिक शांति मिलती है, जिसमें उसको अपनी इच्छाओं से मुक्ति और आजादी मिलती है, जो कि मनुष्य जीवन का एट लास्ट अंतिम लक्ष्य यही है, अपनी इच्छाओं से मुक्त हो जाना, और इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग, और उसको वो सौदा बहुत पसंद आ जाता है जो छोटे बच्चे के साथ वो परफॉर्म करता है अंत में, और इस तरीके से वो लास्ट बार्गेन करता है एक छोटे बच्चे के साथ। तो ये थी पोएम द लास्ट बार्गेन, तो आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच।